इधर नहीं देख रहा जानबूझ के, इसे पता ही कि इसने कुछ कांड करा है, है ना भाई। गाइस हम लोग आ चुके हैं फोर्ट से बाहर, एंड बहुत गर्मी हो रही है इस करके हम लोग यहाँ पे अभी शिकंजी पी रहे हैं। पाइप मत देना वहाँ से, बोलते हैं काफ़ी रिफ्रेशिंग है, बस काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको पी करके। एकदम समर टाइम हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, तो बस वही पानी की कमी पूरी कर रही है अभी बॉडी के अंदर। पूरे दिन के लिए बुक करते हैं थोड़ी सुबह से शाम तक के लिए। तो गाइस हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं? दुर्गा मंदिर ऑफ रामनगर जी, जो कि स्थित कितने दूर है यहाँ से? 3.2 किलोमीटर जी। जी तो इसीलिए रिक्शा के अंदर हम लोग जा रहे हैं एंड वापस भी यहीं से जाएंगे। और दुर्गा मंदिर के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? होपफुली संकट मोचन मंदिर जाएंगे, लेकिन हमारे पास टाइम बचा तो है ना भाई, वरना स्टेशन, वरना तो सीधा स्टेशन। पहुंच चुके हैं हम लोग दुर्गा मंदिर, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे इस मंदिर को बनाया गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए। ये देखिए ये है मंदिर गाइस, ये दुर्गा मंदिर से बाहर आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे एक पोखरा करके है, ये इस तरीके से तालाब है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तालाब फैला हुआ है पूरा, और यस बिल्कुल दुर्गा मंदिर के जस्ट बाहर है ये, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन गाइस हम नहा तो सकते नहीं यहाँ पे, बस दूर से देख के ही बस खुश हो जाएंगे इसको, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। ये देखिए सब लोग बैठे हुए, मैं बस बाहर आया था व्लॉग बनाने के पर्पज़ से ही, बस जा रहा हूँ। तो फाइनली आगे पैसेंजर चेंज हो चुका है, पहले हफ्ते था अभी आ रहा है, ये बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हुआ है यहाँ पे, है ना। क्या यार थोड़ा सा हेल्दी हूँ, खाते खाते पीते करके भाई नहीं यार, ऐप्स हैं, बट थोड़ा थोड़ा फैट है उसके नीचे, लेकिन ऐप्स हैं भाई। नहीं शोल्डर शोल्डर थोड़ा वाइड है, अच्छा शोल्डर साइड से वाइड हूँ, पूरा ही वाइड भाई, पूरा ही वाइड है हमारा भाई। जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते से हम नहीं जा रहे, बिकॉज पुलिस की बैरिकेडिंग थी वहाँ पे, तो ये कोई अंदर से ही भैया रास्ता लेके जा रहे हैं हमें। भैया कितनी देर लगेगी जितनी देर वहाँ पे लगी थी हमें? कम देर लगेगी। हाँ सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। तो चलिए पहुँचते हैं उधर जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं संकट मोचन मंदिर, एंड इसी रिक्शा में जा रहे हैं जिसमें हम लोग पहले से जा रहे थे। उतरना पड़ेगा, उतरो जल्दी, उतरो उतरो भाई, एक आध बंदा उतरो भाई। देखिए गाइस चल रही है, उतरना उतरना पड़ा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है, सचिन भाई के उतरते ही चल पड़ा। भगाओ भगाओ भगाओ, जितनी देर भगा सकते हो भगाओ। फ्लैट जमीन थोड़ी सी दिखी तो भैया ने यहाँ पे रोक दिया, हमारे बंधु आएंगे पीछे से बैठेंगे इसमें। देखिए गाइस यहीं से आए थे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रामनगर फोर्ट, और अब संकट मोचन मंदिर जो है बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं संकट मोचन मंदिर, हनुमान जी के मंदिर बनारस में स्थित है, और ये है वो मंदिर। लेकिन गाइस यहाँ पे ना कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है अंदर, ऐसा लॉकर रूम में जाकर के आपको बंद करना पड़ता है, तो यहीं से ही हनुमान जी को जय कर दीजिए। चलिए हनुमान जी के दर्शन करते हैं और फिर दोबारा मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के अंदर। गाइस आ गए हैं हनुमान जी के दर्शन करके, काफ़ी अच्छा लगा संकट मोचन मंदिर जाके भक्तों के बीच में, काफ़ी अलग तरीके की एनर्जी का हमें एक्सपीरियंस हुआ। और बस अब अपने ई रिक्शा की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ये मेरे दोस्त लोग थोड़ा आगे थे क्योंकि वो ई रिक्शा वाले भैया ना कह रहे थे कि मैं वेट नहीं करूँगा ज़्यादा, फिर हमने एक डेढ़ घंटा ले लिया अभी, तो चेक करता हूँ कि किधर है वो लोग, मेरे मेरे फ्रेंड हैं दिख तो नहीं रहे भैया, ये रुक गए, ये रुक। अब मैं बैठ जाता हूँ इसमें, आप फिर से आगे की सीट बची है, इसकी सुनते हुए आ रहा हूं मैं। ये बंदा हमें बीच में रुकवा दिया इसने ई रिक्शा में, ये बोलते कि लोकल फूड ट्राई करेंगे। भाई किधर है, किधर है लोकल फूड, वेयर इज लोकल फूड? आगे, कितना आगे? गाइस ने बोला ना, पूरी एडवांस पेमेंट कर दी हमने उसको ई रिक्शा वाले को, जबकि एक तरफ खाली गया है वो अभी। अबे आना इसको, हाँ जरा फ्रस्ट्रेटेड हो गया ना इसको, इसको पता चल गया कि अब जगह तो देखने रही, क्या करेगा ये। तो भाई ये देखिए, ये है यहाँ की फेमस कचौड़ी की दुकान, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे कचौड़ी खाने के लिए।
सबसे मशहूर चीज के सही है गाइस, ठीक है। कचौड़ी जैसी है इस दुकान के अंदर। एक तो समोसा, एक कचौड़ी है, और बूंदी भी है, इमरती भी है। ये देखिए यहाँ का फूड मार्केट है, यहाँ पे एक साथ में यहाँ का लोकल फूड दे रहे हैं लोग, और बस हम भी कुछ ना कुछ ट्राई करने वाले हैं बहुत जल्द यहाँ से। और अब जाके इस बंदे को कॉन्फिडेंस आया, देखिए हंस रहा है कि ये गलत जगह पे नहीं रोका इसने, हमें सही जगह पे रोका है, इधर नहीं देख रहा जानबूझ के, इसे पता ही कि इसने कुछ कांड करा है ना भाई। क्या हुआ हैं? क्या कुछ नहीं है, मैं तो कह रहा था राज कितना अच्छा है भाई। इसका नाम क्या है जो आपने दिया हमें? ये ये क्या चीज है आप जो बना रहे हैं? इसका पराठा है। किस चीज से बनता है ये? चने दाल, सोयाबीन, कच्चा केला, गाजर। अच्छा हाँ, यही से तैयार किया जाता है, मसाले पड़ते हैं सब। अच्छा जी, शुद्ध शाकाहारी भैया का ये है स्टॉल। बोला शुद्ध शाकाहारी है। हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी। सबसे फेमस चीज यही है, सबसे फेमस चीज। अच्छा चलो, बड़े भाई एक प्लेट ट्राई करते हैं गाइस। ये देखिए हमने लिए कबाब को, थोड़ा सा लिया एंड बस आके देखते हैं कैसा है, बताता हूँ। उतना मैं बोला आपको बताना। बहुत जबरदस्त है गाइस, बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लेकिन बहुत बढ़िया भैया, मज़ा आ गया। क्या बात है यार, रुमाली रोटी में, रुमाली रोटी में बहुत टाइम के बाद खा रहा हूँ, लेकिन भाई साहब रुमाली रोटी भी बहुत टेस्टी है। एंड सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 11 बजे तक खुला रहता है भैया का ये स्टॉल। अच्छा अच्छा जी, दिल्ली पहुंचाना पड़ेगा, दिल्ली में भी स्टॉल खोल दो अपना। बहुत बढ़िया भैया, नहीं भी आप चेक जरूर करना, बोला शुद्ध शाकाहारी स्टॉल है भैया का। चल राज भाई, तेरी वजह से हमने एक स्पेशलिटी वाली चीज तो खा ली बनारस की। अब क्या खिला रहा है आगे, क्या खिला रहा है? मोमोज बोल रहा है ना, अमचून सूप मोमोज। सूप मोमोज ट्राई करते हैं एक बार। चलो भाई सूप मोमोज, गाइस आपने कभी सुने हैं तो कमेंट करके बताना नीचे। मैंने तो नहीं सुने सूप मोमोज क्या चीज होती है। ग्रेवी मोमोज सुने, तंदूरी मोमोज सुने, लेकिन सूप मोमोज कभी नहीं सुने। सूप मोमोज क्या चीज होती है, पहली बार देखा है वेज मोमोज विद सूप। व्हाट इज दिस मोमोज में सूप डाल के? अच्छा अच्छा, कर दो वेज। अलग अलग तो बहुत बार पिया गाइस, साथ में कभी नहीं पिया। खोल देना, देख लेते हैं चलो कैसा है। इसके बारे पनीर मोमोज लग चुके हैं। अच्छा इसके ऊपर सूप आ गया, उससे पहले खुराक मांग रहे। अच्छा, चलो भाई ले लेते हैं, ले ट्राई करते हैं। ठीक है भाई, सूप तो अच्छा है, वैसे ही जैसा मिलता है आपको जितने मोमोज वाले भैया हैं उनके पास में दिल्ली के अंदर। ये सूप के साथ मोमोज, लेकिन अब ट्राई करके देखते हैं कि कैसा लगता है, कॉम्बिनेशन बैटर भी रहा है कि मतलब ऐसे ही बना दिया, देखते हैं। भाई अभी अभी गर्मा गर्म मोमो खाया, मैं आपको सच बताता हूँ सूप मोमो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सूप अलग है मोमो अलग है, कई बार आप एक ही चीज़ खा सकते हो। तो वही है बस, ठीक है चलो, इनोवेशन अच्छी है, लेकिन अरे यार ठीक है एक बार ट्राई कर सकता है आप करना चाहो तो, लेकिन इतना भी स्पेशल नहीं है भाई। आइसक्रीम खा रहे हैं हम लोग अभी इतना गर्मा गर्म खाना खाने के बाद में, और भाई फटाफट से सब हम चल रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर इसके बाद में, एंड वहाँ पे बैठेंगे अपनी ट्रेन में और अपने शहर दिल्ली वापस चलेंगे। बस यहाँ से अपना सामान उठाते हैं और सीधा चलेंगे अब रेलवे स्टेशन दीनदयाल उपाध्याय, एंड वहाँ से पकड़ेंगे हम दिल्ली की ट्रेन। भैया थैंक्स, आपने अपने अपना सामान रखने दिया। क्या नाम है भैया आपके रेस्टोरेंट का? हाँ जी मधुरम रेस्टोरेंट एंड कैफे, रामनगर अपना किला है भैया का, बिल्कुल इसके पास में ये कैफे। भैया खाना भी बहुत अच्छा था, एंड भैया तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है हमारे, काफ़ी अच्छा लगा भैया बनारस घूम के। गाइस फाइनली हम लोगों को मतलब ऑटो मिल चुका है, ऐसे ही दो ऑटो हम लोग करने वाले हैं, बिकॉज जो रेलवे स्टेशन है ना काफ़ी दूर है यहाँ से, ई रिक्शा ले जाना फेजिबल नहीं होगा वहाँ पे, और हम लोग बस बैठे हैं इस ऑटो में, और एक ऑटो और आने वाला है तो इसमें बाकी के दोस्त जाएंगे हमारे। बस तो बनारस को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है फाइनली। चलिए ये लोग भी जा रहे हैं, हम लोग भी चले अपनी जर्नी पे, बाय बाय बनारस, बाय बाय। पहुंच चुके हैं हम लोग दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, जो कि है बनारस का, और
वही जगह जहाँ से हमने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी थी, वहीं पे हम दोबारा वापस आ चुके हैं और बस थोड़ी देर में हमारी दिल्ली जाने वाली ट्रेन भी आती होगी। जाते जाते हम भी भूल गए भाई, हम वेटिंग रूम में जा रहे हैं, हम पहले वेटिंग रूम में बैठेंगे उसके बाद हम खाना खाएंगे जी, देन वी विल मूव टुवर्ड्स दिल्ली। या हम आ रहे हैं दिल्ली, दिल्ली अब दूर नहीं जी। और गोता में गोता लावला, चलो वही चलते हैं। गाइस हमने सुना 30-35 मिनट लेट है ट्रेन हमारी, तो लगभग हमें लगभग 8 बजे है यहाँ पे अभी, तो 2-2.5 घंटा हमें और वेट करना पड़ेगा। 10 बजे की ट्रेन थी, 10:30 बजे आएगी। भाई जा चुके हम लोग रेलवे स्टेशन पे अभी, और काफ़ी मज़ा आया बनारस के अंदर, काफ़ी इन्जॉय करा हम लोगों ने, और काफ़ी सारे लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक करते हुए। एंड हमारे फ्रेंड्स कुछ ऊपर रह गए बिकॉज लिफ्ट ओवरलोड हो गई थी, वो नीचे है देखो, अब जाके आए हैं। ये देखो ये अपनी ट्रेन नहीं है, बस फटाफट से चलते हैं जैसी ट्रेन आती है। तो वेटिंग रूम है हमारा, देखिए इतनी भीड़ है यहाँ पे। मैं बोल रहा था फ्लाइट से तुम्हें ट्रेन चले, 2 घंटे बैठा। गाइज हम लोग की ट्रेन लगभग आधे घंटे में आने वाली है, और हमें भी पता चला है कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे नहीं बल्कि 7 पे आने वाली है, तो बस 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोग जा रहे हैं। गाइज एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है कि कंपैरेटिवली टू दिल्ली स्टेशन यहाँ पे कोई स्मेल नहीं आ रही, थोड़ी बहुत गंदगी तो देखो हर स्टेशन में दिखती है लेकिन बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आ रही। दिल्ली के जितने भी मतलब रेलवे स्टेशन है सबके अंदर मैंने देखा कि बहुत ही गंदगी रहती है, बट बनारस का ये जो है अपना रेलवे स्टेशन है वो बहुत अच्छा है, ये तो है 100%। गाइज आ चुकी है हमारी ट्रेन मगध एक्सप्रेस, एंड बस फटाफट से इसमें बैठेंगे एंड चलेंगे दिल्ली की तरफ। है भाई अपनी डेस्टिनेशन फाइनली, या हमें होम वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है यहाँ पे भी, ट्रेन भी बिल्कुल लो ग्रेड है। हमारे धोखा देखे कि मेरे को बोला था फ्लाइट की टिकट कर रहे हैं, यहाँ ले आया भाई, कोई नहीं एसी तो मिल गया कम से कम, कोई नहीं देखते अब कैसा रहता है इस बार सफर। नेक्स्ट टाइम प्राइवेट जेट से जाएंगे गाइज हम लोग, है ना, चॉपर से जाएंगे। राइट, काफी मस्त फीलिंग आ रही है भाई ट्रेन के अंदर, ठीक है एसी चल रहा है बढ़िया तरीके से। कौन सी सीट है अपनी, क्यों 41-42 देखते हैं भाई इस बार कुछ बफर ना हो बस सीट को लेकर के यार, और कुछ नहीं चाहिए। भाई सचिन तो है हमारे पास, सचिन भाई तो है, देखो हमारे से जस्ट आगे खड़ा भाई। गाइस सीन ये है कि इस वाली ट्रेन के अंदर हम लोगों को नहीं मिली नीचे वाली सीट, ये देखो ब्लॉगिंग डिस्कस कर रहे हैं दोनों भाई। अभी हम लोगों ने कोशिश तो करी लेकिन एडजस्टमेंट नहीं हो पाई लास्ट टाइम की तरह, तो बस वही है जिसको जहाँ जगह मिली हम लोग वहीं बैठ गए अभी फिलहाल, एंड इस बार ईमानदारी से अपनी सीट है वहीं बैठे, तो बस फटाफट से आपको मिडल वाले में ही करना पड़ेगा, सुबह जाके ही बस हम लोगों को सीट मिलेगी नीचे, तो यस चलते हैं फटाफट से। एंड दिल्ली अभी थोड़ी दूर है लेकिन बस बहुत जल्दी आने वाला है आप लोगों के लिए, तो ऐसे छुट्टी में जाके जाएगा। क्या बात है राज, एडवांस पेमेंट है रईसों का, रईस गाइस लास्ट टाइम आपने इस बंदे को एंग्री यंगमैन बनते हुए देखा होगा, लड़ रहा था हर किसी से इस बार, लेकिन इसने बोला मेरे को कोई झगड़ा नहीं चाहिए, है ना अंशुमन? नहीं ये लाइन थी, क्या सुन के नहीं लूंगा किसी की, फिर बाद में बोलता क्या बोलना, आगे एक शब्द, आगे एक शब्द, आगे एक शब्द नहीं, क्या यार वो अक्षर अक्षर के साथ बैठा था ना ऑस्मोसिस, नॉन वायलेंट हो गया बंदा। सो गाइस हमने मंगाई है ये रेलवे की थाली 120 रुपए की है ये, इसके अंदर है एक पनीर की सब्जी, एक ये आलू की सब्जी, दाल चावल और रोटी और अचार, 120 रुपए हमने इससे खर्चा करे हैं। एंड कैसी है आर्यन टेस्ट में? जैसे कि आप देख सकते हैं मैं सूखे चावल खा रहा हूँ जी, क्योंकि इतना बकवास खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया। ऐसा ऐसा क्यों भाई, इसमें सिर्फ एक चीज अच्छी है, क्या ये अचार, अचार वो भी कंपनी का है, क्योंकि चाट चाट के खा रहा हूँ। अच्छा बाकी चीजें कैसी भाई? ये मैंने सोचा था कड़ी की सब्जी है, पकोड़ा ढूंढ रहा था मैं, फिर मुझे पता चला तो दाल है। पानी कितना भाई, पानी दिखाओ उसके अंदर कितना पानी है, कितनी दाल है, जेल वाली हालत है गाइस देखिए यहाँ पे। इसमें कड़ी पत्ता, इसमें से बदबू आ रही है। ओह भाई इतना बढ़िया बनारस का खाना खाया हमने, है ना भाई, पकवान चखे उसके बाद में ये खाना। मुझे बोला गया था कि हम फ्लाइट में जाएंगे, बट फिर मेरे को बोला कि एक दुरंतो वगैरह कोई बढ़िया सी ट्रेन की जाएगी, बट सबसे जो थर्ड क्लास ट्रेन है वो हमें बुक कर लिया। एक एसी वाली ट्रेन है गाइस, भाई का स्टैंडर्ड देख रहे हो आप लोग, मानना पड़ेगा भाई, सस्ती ट्रेन सस्ता कराऊंगी, सस्ता खाना मेरे थोड़े स्टैंडर्ड्स आई हैं।
गाइज आर्यन ने जो बोला था बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं है गाइज, एकदम ठंडा और एकदम मतलब टेस्टलेस गाइज। खाना तक तो ठीक है, ये देखिए ऐसे चम्मच दिखाऊंगा ना, बिल्कुल सीधा चम्मच है, अब खाओगे कैसे, वो बाहर ही नहीं होगा चम्मच में। तो दाल वाला सेक्शन गाइज मैंने खोला ही नहीं होगा, दिखने में ही अच्छी नहीं लग रही, पूरा पानी पानी है इसके अंदर। तो गाइज ये बर्थ वाली सीटें हमारी सारी, तो किसी का भी सर नहीं लग रहा, तो इन भाइयों ने देखिए बुफे सिस्टम लगा दिया यहाँ पर, खड़े होके खा रहे हैं, ये कम्फर्टेबल यही तरीका है इनके लिए भाई। और ये देखो भाई सबसे लंबा भाई है हमारा, परेशान हो रहा है भाई, परेशान हो रहा है, देखिए सर कैसा आ रहा है भाई का, इसको तो इसकी तो बात ही मत करो, क्योंकि दोस्त है ना, ट्रेन मत करना भले कोई दोस्त बोले, ये नहीं कि तमीज से नीचे वाली सीट कर लेना, ये ट्रेन ही मत करना है। नहीं नहीं भाई, राजू क्या बोल रहा है भाई, नहीं बोल रहा कुछ, समझ जाना यार, बोरिंग हो गया खाली, चल इसको हटाऊंगा मैं ब्लॉग से अपने। तू तो कह रहा था कोई करेगा ब्लर। नहीं नहीं खाली राज को करूंगा बस, और कोई नहीं, सिर्फ राज होगा ब्लर भाई अब। सो गाइस गुड मॉर्निंग, हम लोग पहुंच चुके हैं अलीगढ़, एंड इस भाई का स्टेशन आ चुका है, हम लोग तो दिल्ली जाएंगे इससे, लेकिन ये अलीगढ़ ही उतरेगा। तो भाई कैसा लगा था कोई अलग ट्रिप हमारा? चलो सेल्फी लेते हैं गाइस हम लोग, एंड निकलते हैं। ये देखो भाईचारा हमारा, साइनिंग ऑफ बाय, ठीक है भाई, अरे चल रही है ट्रेन भाई, चलो हम भी चलते हैं भाई, ओके बाय। भाई पहुंच चुके हम लोग नई दिल्ली स्टेशन, एंड यस इसी के साथ में बस बनारस वाला ट्रिप हमारा होता है ओवर। जिस स्टेशन से हमने जर्नी की शुरुआत करी थी जिसे हम एंड कर रहे हैं, एंड काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी नए कल्चर को हमने देखा वहाँ पे जाकर के, काफ़ी मज़ा आया, एंड होपफुली नेक्स्ट वीक में आपके लिए बहुत अच्छा सा व्लॉग लेके आऊँगा किसी नई जर्नी पर होपफुली। गाइस तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड टेक केयर, बाय बाय।